बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौमित आवे धाए, सब थाई गोए सगाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याए, नानक ले ध्याए, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याए, नानक ले ध्याए, फिर अंगद ते गुर अमरदास रामदास होए सहाय, रामदास होए सहाय, फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास होए सहाय, रामदास होए सहाय, घर नौ नित आवे धाम सब थाई होए सगाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौ नित आवे धाए सब बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण धियाए, जिस दिठे सब दुख जाए, कृष्ण धियाए, जिस दिठे सब दुख जाए, सब दुख जाए, जिस दिठे सब दुख जाए, सब थाई होए सहाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर
हर नौ नित आवे राए सब थाई होए सगाए गुर तेग बहादुर सिमरिए गुर तेग बहादुर सिमरिए बहादुर सिमरिए धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का नाम इतना बरकत वाला नाम है कि कंगलिया नू पातशाह कर देना है। इतना बरकत वाला नाम है कि जे किते अंत वेले भी किसे नू याद आ जावे ता जमा दिया फाइयां टुट जांदियां हन छुट जांदियां हन। कोई भी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दा नाम जप लवे जिथे हर थां ते मेरा साहब सहायता करदा है उथे घर पदार्थां नाल भरे जांदे हन। गन धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दा जदों अवतार होया तां मेरे पातशाह मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी उस वेले श्री दरबार साहब विखे कीर्तन सुन रहे सन, कीर्तन विच जुड़े हुए सन। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत आप जदों आए क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दे सपुत्र सन। जदों दर्शन कीते तां वंदना कीती जदों महाराज ने अपनी गोदी विच चुकिया तां गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने जो पीरी दा गात्रा सी ना वो पक्का पकड़ लिया ते भाई बिधी सन जो मुखी सेवादार सन पुछन लगे महाराज आपने वंदना क्यों कीती है ते पीरी दे गात्रे नू इन्हां ने क्यों पक्का पकड़िया। तो मेरे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे भाई वंदना तां कीती है कि इन्हां ने ओ काम संसार ते करना है जो किसे पीर पैगंबर औलिया अवतार ने नहीं कीता। कोई अपनी कौम लई कोई अपने परिवार लई कोई अपने कुल लई तां शरीर त्याग सकदा है पर ए धर्म दी चादर हिंदू धर्म दी लज्जा पत रखणगे क्योंकि ना तो गुरु तेग बहादुर साहब तिलक लाउंदे सन ना जंजू पाउंदे सन पर ऐसा समा आवेगा जदों तिलक ते जंजू दी राखी ये आप करनगे अपना बलिदान दे देंगे लेकिन हिंदू धर्म दी पत रख लेंगे। उच्चारण करो श्री बेअंत लीला हन मेरे पातशाह दियां। जदों बाबा गुरदित्ता जी का शुभ विवाह सी तां आप उस वेले
सत अठ साल दे सन गुरु तेग बहादुर। बरात जा रही है जदो वेख्या एक गरीब बच्चा नंग तड़ंगा ठंड विच खड़ोता होया है, ता अपने गल तो चोगा उतारिया ते उस गरीब नू पहना दिता। इत्थे ही बस नहीं, जेड़ी गल विच सोने दी कंठी पाई हुई सी ना वह भी लहा के उसनू पहरा दिती। जदों घर आए वापस माता नानकी जी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे धर्म सपत्नी पुछया, बेटा तेरा कुर्ता किथे है, तू कंठी पा के गया सै, किथे लहाए है, किथे छड आए है? तो कहन लगे, माता जी एक गरीब ठंड विच सुलक रहा सी ते कुर्ता ला के भी उनू पा दिता है, ते नाले कंठी भी उसनू पाया। ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों ये बचन सुने तां आखिया, अज तां इसने इस गरीब नू टकिया है, कोई वक्त आवेगा सारे हिंदुस्तान दी पत रखेगा ये बारक। ये गुरु तेग बहादुर उचारण करो श्री, ओ गुरु तेग बहादुर, आओ सारे उसनू जपिए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए। घर नौ नित आवे धाए, सब थाई होए सहाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए। बहादुर साहब जी दे अनेकां कौतक हन, पर एक कौतक बहुत ही जरूरी है अज सुनाउणा, क्योंकि मेरे साहब जी ने जदों बाबा बकाला विखे जाके 26 साल 11 महीने भोरे विच बह के तप कीता, अपने आप नूं गुप्त रखिया, कुछ बने नहीं,
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਬਕਾਲੇ ਕਈ ਸੋਢੀ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹ ਬੈਠੇ, 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਨਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਸਾਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਬਾਣਾ ਖੱਤਰੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਖਲਕਤ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਬਈ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਬੜਾ ਅਨਿਨ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਘੁੰਮਰ ਘੇਰੀ ਆਈ, ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਬਾਨ ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੰਜ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਬੇੜਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਿਦਕ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਦਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹਨ। ਪਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਵਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਹੁਣ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭਰਨੇ ਸਨ, ਗੁਸਤਸਤੇ ਭਰਨੇ ਸਨ, ਸੋਹਣੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਭਰਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਡੁੱਬਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਲੱਗੇ ਮਤ ਜਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਬਖਸ਼। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਘਾਬਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੇਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂ ਇਸ ਬਵਜਲ ਤੋਂ।
बस अरदास करदियां करदियां जदों शुद्ध आई तां की तकिया के जहाज किनारे नाल लग्या होया। उच्चारण करो श्री आख्या, कोई पानी दा किनारा तो नजर आ नहीं सी रहा, कोई बचन दी उम्मीद तो नहीं सी। बस अरदास करदियां करदियां जदों शुद्ध आई तां की तकिया के जहाज किनारे नाल लग्या होया। उच्चारण करो श्री आख्या, कोई पानी दा किनारा तो नजर आ नहीं सी रहा, कोई बचन दी उम्मीद तो नहीं सी। गुरु नानक दी मेहर होई है, कृपा होई, माल वेचिया जाके दसवंद तां देना ही सी, पर मन विच सोचिया कि पहला 500 मोहरां सोने दियां महाराज दी भेटा कर आवां। ते जदों वापस आया हिंदुस्तान विच तां पता लग्या भई गुरु हरकृष्ण साहब जी तां ज्योति ज्योत समा गए हन, ते कह गए हन बाबा बकाले। ते भाई मक्खन शाह बकाले गया, जेले बकाले जाके वेख्या तां हैरान रह गया, घर घर गुरु बने बैठे हन, एजेंट छड़े हुए हन, आ मेरे गुरु पूरा है, मेरे गुरु नू मत्था टेक। एक अख रोंदी है भाई मक्खन शाह दी, एक हसदी है भाई गुरु नानक दी जोत इहो जिहां विच आवेगी जिहड़े आप मंजे डाह के गदियां ला के बैठे हन। गुरु नानक दा दर तां निम्रता दा दर है। सात संगत बोलो श्री वाहेगुरु। मन विच सोचिया भाई चलो सारिया नू दो दो मोहरां दित्ती जांदे हां, मत्था टेकी जांदे हां, जेड़ा पूर्ण गुरु होवेगा वो आपे मंग लेगा। सारिया नू दो दो मोहरां, किसे नू पंज किसे नू दो, पर किसे नहीं आख्या सिखा भाई मन्नत तां 500 दी मंगनी ते दे तू दो रे नहीं, किसे नहीं किया। निराश होके जदों घर मुड़िया वापस मुड़िया जिथे ठार रखी हुई सी, कोई प्रेमी मिलिया भाई गुरमुखा भाई कोई होर भी इत्थे सोडी है, कोई होर भी है इत्थे कोई, ता उसने दस्या जी एक तेगा तेगा है, वो मस्त रहिंदे हन ते भोरे च ही रहिंदे हन, वो बाहर नहीं निकलते। आख्या फिर मैं रात रह जाना ते कल उन्हां दे भी दर्शन कर लवां, शायद गुरु नानक दी जोत उन्हां विच आई होवे। अमृत वेला होया, अपना नितनेम कीता ते जदों गया अज जिथे बकाला साहब गुरद्वारा है, ता अगे जगत माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर साहब जी दे धर्म सपत्नी तन है माता, जिसने 26 साल 11 महीने गुरु तेग बहादुर साहब तो तप कर रहे हैं भोरे विच, ते इन्हां ने दलीजां ते बह के दिन रात कटे। बस रोटी लई थोड़ा जिहा बूहा खुलदा है, थाल अंदर जांदा है, बस इतना ही, होर कुछ नहीं। भाई मक्खन शाह ने जदों बेनती कीती माता जी मैनू दर्शन कराओ, आख्या बेटा हुक्म नहीं है। माता जी दे चरण पकड़ ले, माता जी जे सतगुरु खफा होणगे ना ओ नाराजगी मैं अपनी झोली विच लै लवांगा, पर मैनू एक वेरा दर्शन जरूर कराओ। चंगा बेटा जदों प्रसादे दा थाल रखांगी ते तू भी थोड़ा जिहा बूहा खोल के अंदर चला जाई। बाबा मक्खन शाह जदों गया दर्शन कीते, तन मन होए निहाल, जां गुर देखा सामने, पर महाराज ने समाधि नहीं खोली, समाधि स्थित समाधि च लीन हन। बाबा मक्खन शाह ने 5 मोहरां मुठ विच लईयां, मुठी विच लै के खड़काइयां खड़काइयां भई शायद आवाज नाल महाराज दी समाधि खुल जावे, ते मेरे साहब जी ने अखा खोलिया ते कहन लगे मक्खन शाह अरदासा करनिया 500 मोहरां दिया ते देनिया 5 ओ भी खड़का के चरना ते डिग पिया। ओ मेरे साहब,
मैं जिस वस्तु नू लभ रहा सां अज मैनू लभ गई है। उच्चारण करो श्री वाहे, फिर जपो श्री वाहेगुरु। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए। मेरे शहर जी ने चदरा चुक के अपना जिस्म दिखाया, भाई मक्खन शाह अजे तक पिट तो किलों के निशान नहीं गए, जेड़ा तेरा जहाज कढ़िया बवर विचो। आ वेख लै जदों विखाया तां बाबा मक्खन शाह गल विच टोल पा लिया ते कोठे ते चढ़ गया ते वजा के सारे लोगों नू कठिया करके एक आवाज दिती, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। ओए पखंडियां दे मगर ना जाओ, आ सच्चा गुरु बैठा जे जिथे गुरु नानक दी जोत विराज रही है। ते फिर सारियां संगतां कठियां होके की पढ़ रही हन, आओ असी भी पढ़िए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए। घर नौ नित आवे थाए, सब थाई हुए सगाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए।